Now next one, this is the another example based on array and pointer property. What is the output of given examples? इस केस में example के केस में output से important केस है, what is the sequence diagram? What is the diagram for given cases or given array? इस केस में next आपको concentrate क्या करना, only डायग्राम रिलेटेड टू फर्स्ट डिक्लेरेशन. फर्स्ट केस में सिंपली लेफ्ट हैंड पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करो, तो लेफ्ट हैंड पार्ट में जस्ट आपको शो क्या हो रहा है, एरे डिक्लेरेशन. इस केस में पी क्या है, पी इज अ एरे. लेकिन इस केस में एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, फोर एलिमेंट्स. प्लस फोर एलिमेंट के अंदर वैल्यू किस टाइप का स्टोर होगी, एलिमेंट्स का टाइप क्या है, कैर स्टार. कैर स्टार मीन्स कैरेक्टर पॉइंटर. तो फाइनली से एरे के अंदर टोटली फोर कैरेक्टर पॉइंटर्स क्रिएट होंगे. क्लियर. नेक्स्ट वन, मीन्स टोटल पॉइंटर्स क्रिएट होने की जस्ट बाद, देन इस पार्शियल इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग टोटल आपने स्ट्रिंग्स कितने इनिशियलाइज किए, देयर आर फोर स्ट्रिंग्स. आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, किसी भी स्ट्रिंग का एड्रेस कैरेक्टर पॉइंटर में असाइन करना पॉसिबल है. इसलिए इस केस में टोटल फोर पॉइंटर्स क्रिएट होंगे. फर्स्ट पॉइंटर में असाइन किया जाएगा एड्रेस ऑफ पास्कल. सेकेंड केस में क्या असाइन हो जाएगा, एड्रेस ऑफ कोबोल. लेकिन रिमेनिंग थर्ड और फोर्थ पॉइंटर में असाइन किया जाएगा नल वैल्यू. क्लियर. जस्ट इस केस में हाईलाइट करो फर्स्ट डिक्लेरेशन. फर्स्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जस्ट क्रिएट किया हो रहा है एरे ऑफ पॉइंटर्स. लेकिन इसे एरे के अंदर किस टाइप्स के पॉइंटर्स क्रिएट हुए हैं, जस्ट कैरेक्टर पॉइंटर्स. और एक सिंगल कैरेक्टर पॉइंटर का साइज 2 बाइट होता है, इसलिए इस एरे का साइज क्या होगा, 2 2 बाइट्स के. टोटल 4 एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं. पॉइंटर किसी भी टाइप का हो अकॉर्डिंग टू नियर पॉइंटर. इन केस ऑफ 16-bit सी कंपाइलर, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ पॉइंटर, इट विल टेक्स 2 बाइट्स. तो टोटल 4 पॉइंटर, तो टोटल साइज क्या होगा इस केस में, जस्ट 8 बाइट. तो इस केस में फाइनली P क्या है, नेम ऑफ एरे. से एरे का साइज क्या है, जस्ट 8 बाइट्स. सपोज दैट से एरे का एड्रेस 100 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा, जस्ट 102, 104 एंड 106. इंडेक्स वैल्यू इस केस में इसको कंसीडर करोगे P0, P1, P2 एंड P3, P2 एंड फाइनली P3. दिस इज द केस. नेक्स्ट वन, इसके अकॉर्डिंग जस्ट सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग क्रिएट क्या किया है, कैरेक्टर पॉइंटर का एक एरे क्रिएट हुआ है. एरे क्रिएट होने के जस्ट बाद इनको इनिशियलाइज करा हुआ अकॉर्डिंग टू गिवन एलिमेंट. तो सबसे पहले डबल कोट्स के केस में स्ट्रिंग क्रिएट किया और कैरेक्टर एरे क्रिएट हुआ, लेकिन इस एरे का कोई नेम नहीं हुआ स्पेशली याद रखना. इस मीन सिंपली इसके लिए आप सेपरेटली एरे क्रिएट करो इन साइड डेटा एरिया, और एरे का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस किस इंडेक्स में साइन हो जाएगा, पी के किस एलिमेंट में साइन होगा, 0 इंडेक्स. नेक्स्ट एलिमेंट का और नेक्स्ट स्ट्रिंग का एड्रेस किस प्लेस पर साइन होगा, 1 इंडेक्स. क्लियर. तो सबसे पहले 0 इंडेक्स के लिए क्रिएट किया हुआ स्ट्रिंग पास्कल. तो इस पास्कल स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं. तो डेटा एरिया में जब स्ट्रिंग क्रिएट होगा, प्लस स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे होगा, नल कैरेक्टर से, तो इस स्ट्रिंग का टोटल साइज क्या, फाइनली 7 बाइट्स. इट विल टेक्स 7 बाइट्स. एड्रेस सपोज दैट 200. नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 201, 202, 203, 204, 205 एंड 206. फाइनली इस केस में फर्स्ट केस में असाइन क्या हो रहा है, कैरेक्टर पी ए एस सी ए एल एंड नल. क्लियर. इस प्लेस पर जहाँ भी स्ट्रिंग यूज किया है, स्ट्रिंग के प्लेस पर रिप्लेस किया जा रहा है इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस और कैरेक्टर एरे का बेस एड्रेस. क्लियर. बेस एड्रेस क्या, इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग जस्ट 200. तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या कर लो, सिंपली 200. सिमिलरली सेकेंड केस, सेकेंड केस में अगेन आप स्ट्रिंग मैनेज करो, तो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग अगेन वन मोर स्ट्रिंग क्रिएट हो, लेकिन इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 5. साइज क्या होगा, जस्ट 6 बाइट, बिकॉज एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्रिएट हो गया जा नल. तो टोटल इस केस में एलिमेंट्स कितने क्रिएट कराएंगे एरे के फॉर्म में, 6 एलिमेंट. डिफरेंट एड्रेस एज्यूम करो, आप कोई भी एड्रेस खुद से एज्यूम कर सकते हो, 300, 301, 302, 303, 304, 305. असाइन क्या करा है, जस्ट स्ट्रिंग एज कोबोल, सी ओ बी ओ एल एंड फाइनली टर्मिनेटेड बाई नल. अगेन इस प्लेस पर जहाँ भी कोबोल राइट हुआ, कोबोल के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, क्रिएटेड स्ट्रिंग का बेस एड्रेस. स्ट्रिंग का बेस एड्रेस क्या, 300. इस केस में जस्ट एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, 4 एलिमेंट. लेकिन एरे में इनिशियलाइजेशन किस टाइप का परफॉर्म, पार्शियल इनिशियलाइजेशन. और एरे के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के, पॉइंटर टाइप के, इसलिए आसान क्या हो रहा है, एड्रेसेस. क्लियर. तो फर्स्ट 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट में आसानी का जाएगा 200. तो P0 इमीडिएटली उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 200 है. इसे पर्टिकुलर पॉइंटर किस लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट कर, जस्ट फ्रॉम 200 ऑनवर्ड्स. प्लस इस पॉइंटर का टाइप क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर. कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू एट ए टाइम ओनली 1 बाइट पॉइंट करना पॉसिबल. तो फाइनली ये पॉइंटर कितने बाइट पॉइंट करेगा, ओनली 1 बाइट फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड. तो इसके इसमें स्टार P0 ओनली फर्स्ट बाइट को रेफर करेगा, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट करा के रिमेनिंग पार्ट एक्सेस करना पॉसिबल. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट में क्या साइन हो जाएगा, 300.
अगेन नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 300 लोकेशन, तो इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन क्या पॉइंटर, तो पॉइंटर किस लोकेशन को पॉइंट करेगा फ्रॉम 300 ऑनवर्ड्स, मीन्स ये ओनली सिंगल बाइट को रेफर कर रहा है, लेकिन रिमेनिंग पार्शियल इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने रिमेनिंग प्लेस पर कोई वैल्यू सैन किया देन डिफॉल्ट वैल्यू क्या सैन होगा, आएगा जीरो, क्लियर। लेकिन ये पॉइंटर किस टाइप के, कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर सिंपली जीरो का रिटर्न करेगा, नथिंग और नल स्ट्रिंग, जीरो मीन्स नल, जीरो का मीन्स जीरो क्या, जीरो इज ऑल्सो आस्की वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर, से रिप्रेजेंट क्या हुआ जस्ट नल कैरेक्टर। नेक्स्ट वन, फाइनल केस में फर्स्ट केस में डिस्प्ले कराया साइज ऑफ, इसका आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट के रिगार्डिंग बात करें सबसे पहले क्या डिस्प्ले करा साइज ऑफ पी, तो पी इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम है, इस कंप्लीट ब्लॉक के अंदर टोटल 4 पॉइंटर्स क्रिएट हुए, एक सिंगल पॉइंटर के साथ अगर 2 बाइट है तो टोटल साइज क्या हुआ 8 बाइट्स, तो इस केस में क्या है जस्ट 8। और इधर साइज ऑफ पी जीरो, पी ऑफ जीरो की बात करें तो पी ऑफ जीरो क्या जस्ट पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर का साइज क्या होता है 2 बाइट्स, तो इस केस में जस्ट साइज क्या जाएगा सिंपली 2। तो फाइनली फर्स्ट केस में प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले किया जाएगा 8 and 2, देन सिलेशन के अकॉर्डिंग लाइन चेंज होने के बाद फर्स्ट परसेंट एस के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा पी जीरो, इस प्लेस पर पास किया हो रहा है जस्ट पी जीरो, पी जीरो में चेक कर सकते हो करेंटली क्या स्टोर है 200, इस प्लेस पर जस्ट पास किया हुआ 200। सेम है पी ऑफ वन, पी ऑफ वन के प्लेस पर सप्लाई किया कराएंगे वैल्यू ऑफ पी ऑफ वन विच इज 300। सिमिलरली पी ऑफ टू, पी ऑफ टू में क्या स्टोर है जस्ट जीरो, पी ऑफ टू के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा जीरो एंड जीरो, क्लियर। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस, परसेंट एस के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ फंक्शन जस्ट रीड क्या करेगा कैरेक्टर, इन कैरेक्टर किस एड्रेस से रीड होना स्टार्ट होगा फ्रॉम 200 लोकेशन ऑनवर्ड्स, प्लस एक कब तक रीड करेगा जब तक नल ना मिल जाए, तो 200 लोकेशन में सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर क्या फाउंड हो रहा पी, देन ए, देन एस सी ए एल, इसके बाद क्या जस्ट नल, जैसे नल मिलेगा देन फर्दर रीड करना स्टॉप कर देगा। फाइनली इस 200 के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ क्या डिस्प्ले करेगा गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑन वुड विच इज पास्कल, फर्स्ट केस में जस्ट डिस्प्ले किया हुआ पास्कल, देन स्पेस, स्पेस का सेकंड परसेंट एस के प्लेस पर डिस्प्ले क्या हुआ स्ट्रिंग फ्रॉम 300 ऑनवर्ड्स, सेकंड केस में प्रिंट एफ फंक्शन उस प्लेस से स्ट्रिंग रीड करना स्टार्ट करेगा जिस प्लेस का मेमोरी एड्रेस 300, मीन्स दैट प्लेस ऑनवर्ड कब तक रीड करेगा जब तक नल नहीं मिल जाता, तो उस केस में जस्ट अगेन कंटिन्यूस फॉर्म में डिस्प्ले क्या हो जाएगा कोबोल्ड, देन कोबोल्ड एल के बाद नल मिलेगा देन रीड करना स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट है अगेन मैंने परसेंट एस यूज किया, मीन्स डिस्प्ले क्या कराना चाहते जस्ट स्ट्रिंग, लेकिन इस केस में एड्रेस क्या पास किया जीरो, जीरो मेमोरी लेवल पर कंसीडर होता है जब नल एड्रेस, अगर आप स्ट्रिंग को नल एड्रेस पर कोई भी स्ट्रिंग स्टोर है या नल एड्रेस को डिस्प्ले कराओ तो इस केस में सिंपली इसके लिए परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए प्रीडिफाइन इंस्ट्रक्शन से इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या करेगा इनसाइड ब्रैकेट एच नल, ये जस्ट इससे रिप्रेजेंट किया हो रहा है एज अ नल स्ट्रिंग, स्पेशली याद रखना दिस इज द कॉन्सेप्ट, सॉरी इस केस में अगर बात करें इस केस में क्या प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू द प्रिंट एफ, इस केस में कोई लॉजिक नहीं है, आपको सिंपली याद करने की जरूरत होगी जब भी परसेंट एस के थ्रू नल लोकेशन से स्ट्रिंग प्रिंट करना स्टार्ट करो उसके इसमें ऑल वी कैट डिस्प्ले वॉर सम नल एड्रेस, क्लियर। अगर सेम वैल्यू मैंने परसेंट डी से डिस्प्ले करा दोनों केस में क्या पास होता है पी ऑफ टू, पी ऑफ टू, पी ऑफ टू में क्या जीरो, फर्स्ट केस में क्या है नल स्ट्रिंग और सेकंड केस में परसेंट डी के थ्रू जब सेम वैल्यू डिस्प्ले करें तो उसके इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा जस्ट जीरो, दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड।